नमस्कार, मैं संदीप विश्नोई एग्रीकल्चर फार्मर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं लेके आया हूं नेपेरियर घास पे एक वीडियो। जैसे कि आप ये पीछे देख रहे हो, ये नेपेरियर घास है, ये पशुओं का एक है उत्तम हरा चारा है और जो कम पानी में जो घास होता है वही है और साल भर इसको उत्पादन लिया जा सकता है। तकरीबन एक बार लगाने के बाद 4-5 साल तक इसका उत्पादन लिया जा सकता है। तो मैं सर से पूछूंगा, सर ये नेपेरियर घास के बारे में आप थोड़ी सी में विस्तार से चर्चा के साथ बताएं। ठीक है, नमस्कार। मैं हम आज देख रहे हैं हाइब्रिड नेपेर, ये नेपेर ग्रास का और एक वैरायटी है। इसमें हम जो क्या किया, नेपेर ग्रास और बाजरा ग्रास को क्रॉस करके हम ये हाइब्रिड नेपेर रिलीज किया था। उसमें क्या है, आपको जो चारा हम हर साल मिलता है वो एक वर्ष होता है, मतलब एक साल का अंदर है, मतलब 6 महीने 4 महीने ऐसा मिलता है। लेकिन ये हाइब्रिड नेपेर है, हम एक साल के ऊपर, मतलब एक बार लगाए तो 5 साल से 10 साल तक हम इसको खेत में लगा सकते हैं। इसके हम ऐसा मार्च से लेके जुलाई तक हम बीजे कर सकते हैं। इसको हम चाहिए ये वाला कलम बनाना चाहिए इस मोटा वाले से। इससे आपको चाहिए एक कलम बनाना चाहिए, एक मोटा वाला, देख लेना यहाँ पे एक होना चाहिए, यहाँ पे एक होना चाहिए। इसको आप सीधा खेत में लगा लो, एक आ जाएगा। उसके पहले हम क्या खेत तैयार करना है, उसके आगे हम एक बार डिस्कैरो चलाना है, उसके बाद रोटावेटर चलाना है। खेत पूरा बराबर करने के बाद आप बट बनाना चालू करना है। आप एक और दूसरा बट के लिए आपको 3 फीट डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा और एक एक कलम को हम 40 सेंटीमीटर दूर, मतलब एक से डेढ़ फीट दूर से एक एक कलम को लगाना पड़ेगा। और हमको 1 हेक्टर के लिए पूरा मिलके 40 कलम लगाना पड़ता है। और इसको आपको गोबर का 25 टन पर हेक्टर अगर मिल जाएगा तो 25 टन पर हेक्टर डालना पड़ेगा उसके बाद। और जब कलम लगाने के टाइम में आपको लगेगा 150 किलो नाइट्रोजन और 40 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटाशियम, वो डालने के बाद आप कलम लगा के एक बार पानी दे दो। पानी देने के 15-20 दिन के बाद उसका नया पत्ता निकल जाएगा और हर 2 महीने हमको इसको 40 kg नाइट्रोजन देना पड़ता है। और एक बार आने के बाद हमको एक साल में इसको 120 से 150 टन पर हेक्टेयर हरा चारा मिल जाएगा। इसमें क्या है, हमको दूसरा चारा, कोई चारा का क्रॉप है देखते हैं, ज्वार, बाजरा, ओट, किसी जई में किसी में हमको 4 महीने नहीं तो 3 महीने मिलते हैं। लेकिन ये हाइब्रिड नेपेर में हमको पूरा साल, कोई महीने नहीं, कोई गर्मी का मौसम में, ठंडा का मौसम में, वर्ष का मौसम में, किसी मौसम में हमको हरा चारा मिलता है। इसको एक साल में हम 6 बार कटिंग कर सकते हैं। हर कटिंग के बाद हम 40 kg नाइट्रोजन देना पड़ेगा, उसके बाद एक बार पानी लगाना पड़ेगा। इसको हम मैक्सिमम हाइट इसका 10 फीट से 12 फीट तक हाइट तक आपको आएगा। उसको क्या है, एक बार कटिंग करने के बाद ऐसा कभी कभी गाय क्या करते हैं, ये पत्ता को काट के इसको छोड़ देते हैं। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक कटिंग मशीन मिलेगा हार्वेस्टिंग वाला, उसमें डालेगा तो इसको छोटा छोटा पीसेस करेगा। इसीलिए क्या होता है, इसमें भी उसमें बहुत प्रोटीन, कैल्शियम, नाइट, आयरन मिलता है, इसीलिए इसको भी खिलाना पड़ेगा। एक गाय जो है इसको छोड़ देते हैं नॉर्मल में, इसलिए हम कटिंग करेगा तो ये भी गाय खा सकते हैं, गाय को और न्यूट्रिएंट मिल जाता है, हमारा दूध का क्वालिटी बढ़ जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में, सर ने ये बताया कि इसको जो लगाने की विधि है वो मार्च से जुलाई तक लगाने की है और इसको 1.5 फीट की दूरी पे पौधे को लगाना है। इसकी टहनियाँ काट के लगाई जाएंगी। एक्चुअल में क्या है कि सर की जो भाषा है वो साउथ इंडियन है, इसलिए हिंदी में थोड़ा हार्ड टाइट है, तो मजबूरी में मैंने सर से कहा कि सर आप हिंदी में थोड़ा एक्सप्लेन करें, तो सर ने हिंदी में बताया। तो कुछ वर्ड्स हैं वो मतलब यहाँ की लोकल भाषा से मैच नहीं कर रहे, इसलिए थोड़ी समझने में प्रॉब्लम होती है। मैं आपको बता दूँ, ये कलमें लगाई जाती है और वर्ष में ये एक बार लगानी है। आप
लगाने का समय आपको बता दिए, साल में 6 बार इसकी आप कटिंग कर सकते हो। हर कटिंग पर आपको एक पानी और एक इसमें यूरिया का छिड़काव करना है। उसके बाद आपको 5-6 साल तक हरा चारा मिलता रहेगा। और जो इसका नेपोरियर घास का जो निर्माण है वो बाजरा, जो राजस्थान की मुख्य फसल है, बाजरा, बाजरा और ये नेपेरियर है, वो क्रॉस करके ये एक बढ़िया मतलब प्रजाति हाइब्रिड हरा चारा बनाया है, जो पशुओं के लिए बहुत ही बढ़िया और इसमें बहुत ही पोषक तत्व हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये डंखल है, ये भी पशुओं को खिलाने हैं और ये पत्ते भी खिलाने हैं। तो सर इसकी मतलब जो हाइट है वो 10 से 12 फीट तक नॉर्मल रहती है और साल में 365 दिन हरा चारा मिल सकता है। तो गर्मी सर्दी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं, तुमका हर महीने मिल जाएगा। तो इसकी सर वैरायटी कितनी वैरायटी है, 4 वैरायटी या 3 वैरायटी? अभी को1, को2, को3 और नया और एक वैरायटी आया है सुपर नेपियर। इसमें क्या है, जो हाइब्रिड नेपियर का वैरायटी है उसमें हमको ठंड का मौसम में अगर देखेगा तो फूल निकलता है। अच्छा। इसीलिए कभी कभी किसान लोगों को गाय को खिलाने के लिए मुश्किल होता है, लेकिन सुपर नेपियर में क्या है ये ठंड का मौसम में इतना बड़ा वाला नहीं आएगा, छोटा वाला आएगा, इसीलिए ये भी आप गाय को खिला सकते हैं। मतलब सुपर नेपियर नया वैरायटी आ रहा है अभी हमारा देश में, हर जगह में नहीं, थोड़ी थोड़ी जगह में, चेन्नई हैदराबाद में है, लेकिन अभी दूसरा जगह में भी सुपर नेपोरियर की वैरायटी फैल रही है धीरे 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 फैल रही है। तो जैसे कि आपको हमने बताया कि इसी प्रकार की इतनी वैरायटी है, तो सर ये किसान कहाँ कहाँ से ले? ये इसका होता है आपको 10 से 12 फीट होता है, लेकिन उसका 15 फीट तक जाता है। ठीक है, तो सर ये किसान नेपोरियर घास का बीज कहाँ से ले? सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि उसे बीज नहीं मिल पाता। बीज हमको देश में एक मेन सेंटर है झांसी में, वहाँ पे हर चारा का बीज आपको वहाँ पर मिल जाएगा। मतलब जवार का, जई का, बाजरा का, जो भी है, और नेपियर का जो भी बीज है, वहाँ पे एक रिसर्च स्टेशन है, वहाँ पे हर बीज का आपको बीज मिलेगा। मतलब हरे चारे से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर हम बीज लेना चाहें तो हमें झांसी यूपी में मिलेगा। तो सबसे बाकी वहाँ इतनी दूर नहीं जाके लें अपने सर, मान लो जैसे राजस्थान के हैं या पंजाब हरियाणा से है, तो हम लोग कहाँ से लें? आपको हम भी आपको बीज चाहिए तो हम ऐसे किसान लोगों को हर साल 2 महीने में हम बीज बांटते हैं। मतलब मिनी किट बोलते हैं इसको, 2 किलो 4 किलो अगर जई का और ज्वार का बाजरा का होगा तो हम 2 किलो 4 किलो देते हैं। ये वाला अगर इसको बीज नहीं है, इसलिए हमको ए स्लिप्स बना के जो किसान तैयार है लगाने के लिए उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि नेपोरियर घास का बीज नहीं होता है, इसलिए आप इसकी ये कलमें तैयार करके ये देते हो। तो बाकी आपका अगर कोई सुझाव रहे या कोई आपका क्वेश्चन रहे, आप कोई पूछना चाहें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं मेहरवाणी को यहीं विराम देता हूं और मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो में। नमस्कार। अब आप सब देख लो, आपको यूँ कोई लगे इसमें कोई मिस्टेक है